हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको नीम के पत्ती के फायदे। मतलब नीम के पत्ती के बहुत सारे फायदे हैं, कई प्रकार के फायदे हैं, लेकिन मतलब मैं एक और फ़ायदा अपने लिए की हूँ। मतलब मुझे जब भी प्रॉब्लम होती तो मैं बहुत मतलब तो फ्रेंड्स, सबसे देसी जुगाड़ है नीम की पत्ती पीस के अच्छे से महीन एकदम बारीक, फिर फेस पे लगा लीजिए। तो फिर मैं नहाने जा रही थी, इस वजह से मैं अभी लगाई हूँ, ताकि अच्छे से अभी जब तक कपड़े धुलूँगी तब तक अच्छे से भीग जाएगा, फिर नहाऊँगी तो क्या है जो हाथों में लग जाता है नीम की पत्ती। तो थोड़ा मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने निकल रहे थे, तो सोचे अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। फिर हम सोचे कि हाँ, डॉक्टर से संपर्क करेंगे, सलाह मशवरा लेके कोई ट्यूब ले आएंगे, लगाएंगे। तो फिर हम सोचे कि लेके आएंगे कि जो फ़ायदा ना किया। और फिर रही बात चेहरे की है, तो फेस में मतलब कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों को पता है कितना अजीब लगता है देखकर। तो हम सोचे कि इससे अच्छा क्या करें। तो एक बार क्या हुआ था, मेरे चेहरे पे ऐसे ही पिंपल्स जैसे निकले हुए थे। तो दो तीन बार मैं नीम की पत्ती पीस के लगाई थी। तो उससे क्या होता है, नीम की पत्ती को लगाने से क्योंकि चेहरे को थोड़ा ठंडक भी मिलता है, आराम भी मिलता है। तो ये जो मतलब निकलते हैं पिंपल्स, तो यहाँ पे दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ कि मेरे पैर पर ही एक फुंसी जैसा निकला था, बड़ा इतना बड़ा दाना हो गया था, मतलब चलने फिरने से तो थोड़ा और बड़ा हो गया था, तो बहुत दर्द कर रहा था। तो जब आज मैं नीम की पत्ती को पीसी हूँ अच्छे से सिल भट्टे पे एकदम बारीक महीन, फिर उसके बाद में मैं चेहरे पे भी लगाई थी, और फिर मतलब एक वीडियो बनाई हूँ, मैं दिखाऊंगी भी। तो चेहरे पे भी लगाई थी और फिर जहाँ फुंसी निकला हुआ था वहाँ पे भी लगाई थी। तो मतलब जहाँ फुंसी निकला इतना दर्द था फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, चला नहीं जा रहा था। लेकिन मतलब वो पत्ती लगाने से ठंडक भी मिला, आराम भी मिला, मतलब दवा इतना असर नहीं करेगा जितना ये असर किया था। तो मतलब नीम की पत्ती का बहुत प्रकार के फ़ायदे होते हैं, आप सभी को पता ही होगा। हमारे बूढ़ बुजुर्ग लोग जो थे नीम की पत्ती का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, नीम का दातुन भी करते थे। बच्चों को अगर फुंसी हो जाती थी तो पानी खौला के नहलाते भी थे। हम अभी भी प्रयोग करते हैं, जैसे अभी चेचक हो जाता है हमारे घर में किसी को, तो मैं नीम की पत्ती खौला के और फिर नीम की पत्ती सारे मतलब बिस्तर के किनारे किनारे लगा दूंगी, फिर जहाँ वो सोते हैं सिरहाने लगा दूंगी। मतलब मैं बहुत प्रयोग करती हूँ, क्योंकि क्या है कि नीम के पत्ती का मतलब कहीं पर भी हम लोग उपयोग करेंगे तो उससे ना तो नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान पक्का है नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिएगा, मतलब फ़ायदा ही होगा। अब मैं आज लगाई हूँ तो मतलब थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा है, तो कल भी लगाऊंगी, दो तीन दिन लगाऊंगी, फिर अपने आप ये ठीक हो जाएगा। ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चली आ रही है, अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। हम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम अभी भी करते हैं। दवा वा बाद में करते हैं, पहले हम घरेलू चीज़ अपनाते हैं। जैसे तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा कभी भी, अगर जो आप लोगों को मतलब चेहरे पे पिंपल्स हो या कहीं पे दाने हुए हों, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, दाने छाले बहुत होते हैं, तो आप लोग इस्तेमाल करिए, आप लोगों को राहत मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।